किसानों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है क्योंकि इंद्र देवता किसानों पर मेहरबान हुए हैं। मानसून की पहली बारिश से आज किसानों के साथ आमजन काफी खुश नजर आया। जहां बरसात होने के कारण लोगों को गर्मी से निजात मिली है तो वहीं किसानों को इस बारिश का काफी फायदा होगा। धान का सीजन है और किसान धान की फसल को लेकर लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, जिसका इंतजार आज खत्म हो गया और इंद्र देवता मेहरबान हुए। किसान अपनी धान की फसल लगा चुके हैं तो कहीं किसान आज खेतों की रोपाई करने के बाद धान की फसल खेतों में लगाने में जुटे हैं। मानसून सीजन की इस पहली बारिश से किसानों की फसल को काफी फायदा होगा। जमीन में पानी की जो कमी है, यह बारिश उस कमी को पूरा करने का काम करेगी। वहीं कृषि विशेषज्ञ की माने तो उनका कहना है कि आज हो रही मानसून की पहली बारिश किसानों के लिए वरदान है। इस बारिश की किसानों को काफी जरूरत थी। कहीं पर खेतों में धान की फसल लगी हुई है जिसे पानी की जरूरत है, जिसकी कमी अब दूर हो जाएगी और साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। पिछले लंबे समय से गर्मी का कहर बढ़ रहा था। वहीं बात अगर धरती पुत्र की करें तो वह भी खुश नजर आ रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए वरदान है और मौसम आगे भी ऐसा ही रहने वाला है, जिस कारण किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं बारिश के कारण वाटर लेवल बढ़ेगा और धान की फसल को जो इस समय पानी की आवश्यकता है वह पूरी होगी और किसानों को बिजली के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। कृषि विशेषज्ञ की माने तो उनका कहना है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद है। बहरहाल बारिश ने जहां मौसम को सुहावना किया है वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी ला दी है। बारिश बारिश बूंद जो बन गई मोती, बारिश की ये बूंदे किसान के लिए कितनी लाभदायक है और इसका इंतजार किसान किस बेसब्री से कर रहा है। किसान के लिए ये बारिश सोने पे सुहागा है। 30 जून से जो मानसूनी बारिश हमारे यहाँ होती है उसका इंतज़ार किसान बड़ा बेसब्री से कर रहा था। अभी वो जैसा कि सभी को पता है कि हमारा ख़ासतौर से एरिया जो है वो डार्क जोन में है, करनाल ज़िला पूरा डार्क जोन में है। जो भूमिगत पानी है हमारा वो समाप्ति की तरफ है और समय समय से बारिश जो है, अगर इससे पहले भी हफ्ता 10 दिन पहले बारिश हो गई होती तो जो किसान ख़ासतौर से हमारे यहाँ के किसान जो है वो धान उत्पादक किसान हैं, ये किसान बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश हो, क्योंकि धान की जो रोपाई है उसमें किसान को खेत में पानी की आवश्यकता पड़ती है और अगर बारिश नहीं होती तो ग्राउंड वाटर से वो काम चलाता है और ग्राउंड वाटर भी पर्याप्त नहीं है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि मौसम में नमी भी नहीं थी और शुष्क हवाएं चली हुई थी। इससे जो किसान जीरी लगा रहे थे अपनी या धान की रोपाई कर रहे थे उनको बड़ी भारी दिक्कत जो है वो महसूस कर रहे थे। तो सर, बारिश का भाग्य कैसा रहेगा अभी जो है? आज बारिश पहली अच्छी बारिश होगी। आज पहली बारिश है और सभी किसानों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और अब संभावना की जा रही है कि ये बारिश आगे लगातार, चूँकि मानसूनी सीजन शुरू हो गया है तो इसके बड़े फायदे होंगे और हमारी जो धान की फसल है ये पानी के ऊपर ही निर्भर करती है, तो बारिश का पानी तो और भी अत्यावश्यक है इसके लिए। इससे उसकी फसल अच्छी होगी और किसान जो है उसका लाभ उठा सकेंगे। विक्रांत है जी मेरा नाम। सर विक्रांत जी, क्या कहोगे आज जो बारिश हुई है, पहले से जो बारिश है मानसून की है? बारिश होना एक जो है किसान के लिए बहुत ही इस समय पे बहुत ही लाभदायक है और जो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी गर्मी की वजह से, बारिश नहीं हो रही थी, किसान परेशान था, लाइट के कट लगातार निरंतर चल रहे थे, तो अभी जो है काफ़ी राहत मिली है किसान को बारिश होने से। तो लगता है सर सोने पे सुहागा है क्योंकि सीजन की पहली बारिश है और बिल्कुल जी बिल्कुल फसल का। बिल्कुल जी बिल्कुल, सोने पे सुहागा भी है और जहाँ तक अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका थोड़ा सा ये है कि नेगेटिव पॉइंट भी है कि जिन्होंने सब्जी लगा रखी है, जिन किसान भाइयों ने, कि ज़्यादा बारिश से वो भी डरेगा कि भाई ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी फ़ायदा ही फायदा है। किसान खेत तैयार करने में लग गया है? किसान अभी खेत काफ़ी तो हो चुके हैं और खेत अभी तैयार, जिनके रह गए थे वो भी बचे कुचे वो भी तैयार हो जाएंगे। क्या नाम आपका? विक्रांत।